हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़ एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इस पार्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में हम मिसिंग लिंक के बारे में बात करेंगे और जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको हमने इसके प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था उसमें जो सीनोजॉइक पीरियड है सीनोजॉइक एरा है उसको हम हॉर्स के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ओके okay? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो पेलेंटोलॉजी मैं बता चुकी हूँ फॉसिल्स के बेस पर इवोल्यूशन को स्टडी करना तो यहाँ पे अब किसके फॉसिल्स मिलते हैं कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो ऑर्गेनिज्म आज के डेट में प्रेजेंट नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं मिसिंग लिंक मिसिंग ठीक है मिसिंग तो समझ में आ रहा है अब हम इसको लिंक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं दोज विच हैव हाँ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ठीक है टू ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट होती हैं ओके okay? एंड दोनों के बीच यानी कि एक तरह से ये क्या हो गए कनेक्टिंग लिंक हो गए एक दोनों ग्रुप के बीच में बट ये आज की डेट में एक्सटेंट हो चुके हैं इसलिए हम इनको बोल रहे हैं मिसिंग लिंक अंडरस्टूड ओके जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे दैट इज दया स्टेजा थेजा ये वाला जो ऑर्गेनिज्म था इसमें किस किस दे है हैविंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियन ओके क्लियर तो यानी कि कुछ कैरेक्टर फिश के थे कुछ एम्फीबियन के थे दोनों के बीच का ये लिंक था फाइन सेकेंड कैटेगरी में दैट इज दूरिया इट वॉज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स Clear? कुछ रेप्टाइल्स के थे कुछ एम्फीबियंस के सी अगर आपने एवोल्यूशन का पूरा देखा है तो उसमें आपको पता होगा सबसे पहले फ़िश अराइज हुई जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात की उसमें भी मैंने आपको बताया पहले फ़िश का ही पूरा एरा था उसके बाद एम्फीबियंस आए और उसके बाद रेप्टाइल्स आए तो ये भी इस तरह से है ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पुराना है जिसके में दोनों के लिंक है मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों से कहीं ना कहीं अराइज़ हुए यानी कि वी कैन से कि एम्फीबियन जो है वो फिशिज से अराइज़ हुए फिर हम बोल सकते हैं कि रेप्टाइल्स और एम के बीच में भी कुछ ना कुछ लिंक है नेक्स्ट कैटेगरी एक और आती है इज़ ठीक है इसमें किस किस के दे वर हैविंग ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक एंड एंजियोस्पम ओके फंस आपको बताया था बहुत इनिशियल में ही आ, ये आ चुके थे फर्स जो पैलियोलॉजिकल एरा में और एनजम ये कहाँ थे सीनोजॉइक से पहले मतलब मीजोजॉइक एरा में थे तो दोनों के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो यानी कि बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट थे और उसके बाद ये एक्सटेंट हो गए इसको हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि सीड प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक था ओके अब ना नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड दी टू थिड बर्ड टूथेड बर्ड्स ओके क्या टूथेड बर्ड्स देवर हैविंग दिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ओके इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है दैट इज दर्कियोटेरिक्स ओके लिथोग्राफिका ओके, एनिमल फाइन ये क्या था एक तरह से बर्ड था जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक थी बर्ड की और रेप्टाइल की दिस वॉज इवॉल्व्ड इन दिस जुरासिक जुरासिक पीरियड में ये इवॉल्व हुआ था और उसके बाद क्रिटेसियस क्रिटेसियस पीरियड में ही क्या हो गया एक्सटेंट हो गया इफ़ यू रिमेंबर जुरासिक जब मैंने आपको ग्राजोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया था उसमें बताया था कि डायनासॉर्स इवॉल्व हुए थे और टूथेड बर्ड्स इवॉल्व हुए थे और उसके बाद ही वो क्रिटेसियस में डायनासोर ये दोनों ही एक्सटेंट हो गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चेंजेस इन दी एनवायरमेंट एज वेल एज कॉम्पिटिशन ओके ये अराउंड वन फिफ्टी मिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुए थे ईयर अगो ओके okay. चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी अगर हम बात करें यहाँ पे रेप्टिलियन ठीक है और यहाँ पे करते हैं बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं एव, तो एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं लेट्स टॉक अबाउट इट ओके रेप्टाइल्स में इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी सबसे पहले तो इसके पास लॉन्ग टेल था ओके okay. ये कैसा दिखता था एक क्रो की शेप का था क्रो के साइज का था फाइन इसके पास एक लॉन्ग टेल था इसमें जो बोन्स थी वो कैसी कैसी थी नॉन न्यूमेटिक टिक बोन इसका क्या मतलब है अगर आपको बर्ड्स की कैरेक्टर पता है तो उसमें कैसी बोन होती है न्यूमेटिक बोन यानी कि हॉलो बोन होती है तभी तो उसमें एयर कैविटीज इतनी प्रेजेंट होती है कि बर्ड्स बहुत लाइट वेट होते हैं कैन फ्लाई है तो यहाँ पे बट बोन्स कहती थी नॉन न्यूमेटिक ओके इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट मेटाटार्सल ओके एंड फेलेंजेस सारे सेपरेटेड थे ओके okay. इसके अलावा यहाँ पे क्या था टूथेड जॉ था कि जो बर्ड था उसकी जो बीक थी उसके अंदर टीथ्स प्रेजेंट थे लाइक दिस ओके सो दे वर हैविंग टूथ हिड जॉ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वॉट वर हैविंग क्लॉज इन फिंगर्स फिंगर्स में क्लॉज प्रेजेंट थे क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एवियन की बात करें तो एवियन में क्या है सबसे पहले तो इसमें फेदर्स प्रेजेंट थे फेदर्स ऑन बॉडी ऑल ओवर बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट थे ठीक है दूसरा क्या है इसमें जो फोर लिम है फोर लिम किस में कन्वर्ट होता दैट वॉज मॉडिफाइड इन टू विंग्स जो क्या होता है बर्ड्स के एक होती है ओके इसके अलावा बर्ड में क्या होती है स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन बॉडी थी ओके okay, फाइन इसके अलावा जो इसमें जॉस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे बीक में फाइन इसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स का देवर बाय पैडलिज्म बायपैडलिज्म का मतलब है कि इनके क्या थे दो पैर थे और वो दो लेग्स से ही चलते थे बर्ड्स में यही होता है कि लिम तो विंग्स में कन्वर्ट हो गया और लिम ही लेग्स बन जाते हैं ओके नाउ दे आर स्कर्ल बॉर्न ऑल्सो फ्यूज कैसी थी थी एंड द लास्ट वन इज लार्ज ब्रेन केस ओके सो दीज वर दी ऑफ दैरेक्टर एज वेल एज एवियन कैरेक्टर इन दी दर्क्यपेरिक्स दैट इट इज कॉल्ड दी मिसिंग लिंक ओके दिस इज ऑल अबाउट मिसिंग लिंक नाउ वी विल टॉक अबाउट दी दिनोजॉइक एरा विद ऑफ हॉर्स लेट्स टॉक अबाउट इट ये रिप्रेजेंटेशन है हॉर्स की हिस्ट्री का चलिए देखते हैं सबसे so, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ सीनोजॉइ एरा में द फर्स्ट अप्रोच इज इओसिन इस ईसिन में जो हॉर्स था दैट इज इो हिप्पस कॉल्ड हीओ हिप्पस इट वॉज इवॉल्व्ड अराउंडीन मिल सिक्सटीन मिलियन ईयर्स अगो ओके ये क्या थे हर्बी हॉर्स थे इनके टीथ इस तरह से स्पेशलाइज थे क्लियर दैन नेक्स्ट इज वॉट हॉर्स का साइज़ फॉक्स के बराबर था बहुत ही छोटा साइज था ओके okay? एंड हैड एंड नैक ऑल्सो वर वेरी स्मॉल नावर डेज हॉर्स का नेक अगर आपको लॉन्ग दिखता है वो अब डेवलप हुआ है दैट इज द मॉडर्न हॉट बट पहले क्या था इसका नेक बहुत ही छोटा था इसमें जो टूथ रॉ थी टूथ रॉ तो कम्प्लीट थी सारी टूथ थी बट ये टीथ जो थी क्राउंड विद लिटिल सीमेंट मतलब आज के डेट में अगर आप टीथ को देखोगे तो टीथ में क्या होगा यहाँ पर पूरा क्राउन मिलेगा ओके okay? और ये क्या होगा पूरा इनिमल का कवरिंग होगा फाइन और दो टूथ के बीच में यहाँ पे सीमेंट भी मिलेगा ओके फाइन बट अर्लियर यहाँ पे क्या था बहुत ही थोड़ा सीमेंटिंग था एंड इनेमल भी बहुत कम था नेक्स्ट इज वॉट हाइट कितनी थी थर्टी सेंटीमीटर ओनली थर्टी सेंटीमीटर ओके अब इसके अलावा एक एक स्पेशलाइज कैरेक्टर है जो सब हॉर्स का डिफ्रेंशिएट करेगा दैट इज़ दी फोर लिम ये फोर लिम में क्या थी फाइव पैलेंजेस होती है एज वी नो फाइव फिंगर्स होती है बट इसमें क्या था हॉर्स में आ, यो सीन यो हिपस में क्या था जो फर्स्ट वाला जो टॉ था वो तो क्या हो गया था रिड्यूस हो गया था और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ थे बस वो ही ट्स प्रेजेंट थे कैसे प्रेजेंट थे देखिए यहाँ पर इस तरह से आईन ये देखिए लाइक दिस समझ में आ रहा है दीज फोर टॉस सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट वाला रिड्यूस हो चुका था और ये सब इक्वली ही ग्राउंड पर टच करते थे सारे एक साथ ग्राउंड पे टच करते थे और ऐसे बैलेंस बनता था ओके नेक्स्ट इज वॉट ऑलिगोसिन इसमें मीजो हिप से दे वॉल इवॉल्ड अराउंड फोर्टी मिलियन ईयर अगो अब इनका साइज कैसा हो गया गॉड के बराबर गया यानी कि फॉक्स से थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया टीथ में भी लो क्राउंड हो गया मतलब अब इसमें क्राउन भी बनना शुरू हो गया एंड प्री मोलर बिकम मोलराइज फाइन प्री मोलर जो है वो मोलराइज हो गए एंड द हाइट विल बिकम 60 30 से अब क्या हो गया 60 ये सब तो कुछ जनरल कैरेक्टर है अब फोर लिम में देखते हैं इसमें क्या हुआ अगेन जो फिफ्थ वाला था फिफ्थ टॉ ये भी क्या हो गया रिड्यूस हो गया ओके okay. अब क्या बचा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो यहाँ पे क्या बचे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दीज आर लाइक दिस ओके जिसमें से जो थर्ड वाला जो टॉ था वो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा था दैट इज थर्ड टॉ और यही क्या कर रहा था ग्राउंड पे टच हो रहा था मतलब ये थोड़ा बड़ा साइज था और सेकेंड और फोर्थ टॉ कम डेवलप हो रहे थे तो वो छोटे साइज हो गए तो सिर्फ ये ही ग्राउंड पे टच कर रहे थे ओके नेक्स्ट इज मियो इसमें आता है मेरी चिप्प देवर अराउंड 16 टू 18 मिलियन ईयर अगो हाइट क्या थी अब सक्स्ट्रे से क्या बन गए 100 सेंटीमीटर एंड थर्ड टो टू टचेज दी ग्राउंड मतलब और डेवलप होने लगा थर्ड टो ही डेवलप होने लगा टीथ देवर लॉन्ग क्राउन अब लॉन्ग क्राउन बन गया यहाँ पे लो क्राउन थे अब यहाँ पे और अच्छे से क्राउन बना रिजेज विद एनिमल सीमेंट अब इसमें और अच्छे से एनिमल होने लगा सिमेंटिंग होने लगी एंड नेक भी क्या बन गई लॉन्ग बन गई फाइन और इसमें जो टीथ थे ये सब इस तरह से स्पेशलाइज थे कि देवर स्टार्टिंग ग्रेजिंग के लिए भी थे एंड च्यूइंग भी थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा ओके अब देखते हैं इसकी फोर लिम में क्या हुआ इसमें भी फर्दर डेवलपमेंट हुआ और कुछ इस तरह से ये बना ओके okay, बट ये जो थर्ड वाला था ये क्या था इट वॉज वेल डेवलप मतलब ये बहुत अच्छे से डेवलप होने लगा ओके okay. सो so, इस तरह से ये डेवलप होने लगा दिस इज थर्ड टो फाइन नेक्स्ट देखते हैं प्लियोसीन दैट इज प्लियो, प्लियो हिप्पस 10 मिलियन ईयर आगो इट वाज वॉज 100 टू 120 सेंटीमीटर हाइट हो गई सेकेंड एंड फोर्थ टो अब क्या हो गए स्प्लिंट बोन में कन्वर्ट हो गए मतलब टोटली totally रिड्यूस हो गए एंड टीथ जो है वो लॉन्ग सीमेंटेड क्राउन हो गया क्लियर चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ अब जो बोन था कुछ इस तरह से हुआ ओके okay, एंड ये जो दोनों थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई यहां पे स्प्लिंट बोन में ओके okay, तो इस तरह से एंड थर्ड टो ही अच्छे से डेवलप होते गया नेक्स्ट इज प्लिस्टोसिन दिस इज इसमें है टू जीरो पॉइंट फाइव मिलियन ईयर अगो इट वॉज इवॉल्ड ये अब क्या किसके लिए स्पेशलाइज हो गया इट वॉज स्पेशलाइज फॉर रनिंग ओके लॉन्ग रेडियस था टिबिया टिबिया ये सब लॉन्ग थे और रिड्यूस अल्लाइन फिबुला फाइन उसके अलावा थर्ड डिजिट जो ये मतलब थर्ड टो जो था इट वॉज़ वेल डेवलप एंड कवर्ड बाय हूफ मतलब आगे उसकी कवरिंग बन गई एंड 165 सेंटीमीटर की हाइट हो गई ओके okay? मोलर प्री मोलर विद लॉन्ग क्राउन कवर्ड बाय इनेमल एंड सीमेंट मतलब प्रॉपर अच्छे से डेवलप हो गए दे वर प्रॉपरली स्पेशलाइज फॉर स्वीइंग एज वेल एज ग्रेजिंग पर्पज तो अब यहाँ पे फाइनली क्या सा बना फोल्डिम लेट सी इट्स लाइक दिस ओके और ये क्या है यहाँ पर हुफ भी प्रेजेंटेड दिस इज दर्ड टो क्लियर तो इस तरह से हॉर्स में चेंजेस आए सी क्या था जो सीनो एरा था जी क्या था मैमल्स के लिए ए बर्ड्स uh, के लिए एज वेल एज एनजियपम का एरा था जिसमें ये सब बहुत डेवलप हुए तो ये मैमल्स डेवलप हुए उसमें ही हम हॉर्स के थ्रू पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इस सारे एरा इस सारे अप्रोचेस को सारे पीरियड्स को हम समझ रहे हैं ओके इसमें कैमल भी था एलिफेंट ये सब एनिमल्स के इंडिविजुअल स्टडी के थ्रू सारे एरा को समझा जा सकता है ओके तो यहाँ इस तरह से हॉर्स का डेवलपमेंट हुआ और यही सब पैलेंटोलॉजी क्या है एविडेंस दे रही है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था कैसे सारे एनिमल्स डेवलप हुए थे कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने आई होप ये पैलेंटो बायोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स इन माई नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द जियोग्राफिकल एविडेंसिस अब जियोग्राफी के बेसिस पे एवोल्यूशन को कैसे स्टडी करते हैं ओके सो टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो